हमारे बीच भाई सुधीर चौहान जी भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब कार्यक्रम आधिकारिक रूप से प्रारंभ होने वाला है। मैं प्रदेश अध्यक्ष रायबरेली से आए हैं भाई शिव मनोहर पांडे जी, हमारे बीच मैं ब्रजेश मिश्रा जी और उधर अपने उपजा के साथियों के उपमान भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया आपको मंच तक लाने का कष्ट करें। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन से भाई राकेश चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस बार भाई श्री पांडे जी को मंच तक लाने का कष्ट करें। हमारे बीच जस्सी सिंह जी आए और हमारे भाई शिव चौहान जी हमारे बीच उपस्थित। दो दो तालियां बजती रहनी चाहिए और ये साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है। ये पीछे नंबर है यार क्या? अरे इनसे कह रहा हूँ मोबाइल वालों से। अशोक अग्निहोत्री जी, अशोक अग्निहोत्री जी कृपया। अरे हमारे बीच एक वीडियो क्लिप प्ले कर रहे हैं इस आवाज के साथ भाई संजय तिवारी जी, दो लाख तालियों के साथ संजय तिवारी जी, दो लाइनों के साथ उनको आवाज दे रहा हूं। बस इसी बात पे मेरा परिचय तमाम होता है, बस इसी बात पे मेरा परिचय तमाम होता है। पांचवा रूप में उपस्थित हूँ। हमारे बीच राजेश गोयल जी आ गए हैं, उनका हार्दिक स्वागत भाई। इधर आ जाना, मंच पर आसीन केंद्र सरकार के माननीय मंत्री और आगरा के यशस्वी लोकप्रिय सांसद श्री एसपी सिंह जी बघेल, प्रखर पत्रकार श्री विनोद अग्निहोत्री जी, श्री अरुण त्रिपाठी जी, श्री राजू लामा जी, श्री शिव मनोहर पांडे जी, श्री अब्दुल रहमान जी, श्री संजय तिवारी जी, श्री विनीत दुबे जी, श्री विवेक जैन जी, सामने बैठे हमारे बड़े भाई विनोद भारद्वाज जी औजार साहब, और आगरा की एक आध्यात्मिक शख्सियत भी है हमारे बीच कैलाश मंदिर के महंत श्री निर्मल गिरी जी, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, किसी वक्ता के लिए उस समय बड़ी मुसीबत हो जाती है जब उससे पहले कोई बहुत प्रखर वक्ता और चिंतक अपने विचार व्यक्त कर चुका होता है तो अगला वक्ता जैसे मैं हूं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। मेरे आप तक क्या होगा? अरुण जी ने जिस विस्तार से संक्षिप्त समय में और जिस सारगर्भित रूप से ओजस्वी रूप से प्रखरता से विचारों को रखा है उनके तो इर्द गिर्द में नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर भी आप लोगों से पहले इजाजत भी मांगूंगा जल्दी जाने की। हमारे संचालक महोदय बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे हैं और मैं जानता हूं कि जब कहीं शिकंजे में आ जाते हैं हम लोग किसी ऑर्गेनाइजर के और खासतौर से पत्रकार तब तो निकलना बड़ा मुश्किल है, और जब ऐसी जगह पहुंचो दूसरी जगह और वहां लेट होते हैं
तो कुछ जगह एक शायरी सुनने को मिल जाती है कि मंत्री हो गए ना तो खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती, लेट होते हैं लोग हमेशा। अब हमारी मजबूरी समझते थे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेबाका नहीं होता। अब हम लेट होते हैं तो जब आप छोड़ेंगे तभी हम आगे जाएंगे। और आज आपके कार्यक्रम के लिए मैं आया हूं आगरा, उनको तो स्टेफनी में दे दिया, मैंने कहा मैं वहां आ रहा हूं इसलिए आपके यहां आ जाऊंगा। पिनाहट यहां से 1.5 घंटे का रास्ता है और कुछ स्वजाति लोगों का सम्मेलन है, वो लोग उलाना देते हैं कि आप अपने लोगों के सम्मेलनों में नहीं आते, तो ये उलाना भी राजनीति रूप से गलत हो जाता है। तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगते हुए जल्दी निकलूंगा, फिर भी आदेश हुआ है कुछ विचार रखेंगे, तो पत्रकारों की वजह से आया। वैचारिक आधार बना इस देश की चिति का तो पत्रकारों की वजह से बना। जब जब सत्ता संतों से टकराई है, सत्ता ने मुक्की खाई है, और आप सब संतों की प्रकृति के हैं, और सत्ता तो अपनी प्रकृति होती है, अलग होती है, कभी तानाशाह बनती है तो कभी लोकतंत्रवादी होती है। तो इस देश में लोकतंत्रवादी सत्ता को ही महत्व तो मिला है, और उस वजह से क्योंकि उस पर अंकुश सामाजिक रूप में पत्रकारों का रहा है। कभी ऋषि विश्वामित्र के रूप में रहा हो, कभी वशिष्ठ के रूप में रहा हो, कभी सदगुरु समर्थदास रामदास के रूप में रहा हो, कभी पुनानी पंडित के रूप में रहा हो, लेकिन सत्ता पे अंकुश जब सामाजिक शक्ति का होता है, पत्रकारिता के रूप में होता है, तब सत्ता भी सही चलती है। यह है हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रकृति। हमारे यहां यह नहीं है कि सर कलम कर दिया जाता है तालिबान में पत्रकारिता, पकड़ के उठा लिया जाता है और मौन रहते हैं लोग देखने वाले। एक पुस्तक के गुलाम नहीं है हम लोग, और एक पुस्तक के गुलाम होते तो पत्रकारों को लिखने का कोई मौका नहीं मिलता, अब व्यक्ति की सुनता नहीं होती। तो हम उस संस्कृति प्रकृति चिति के वाहक हैं, उसको जिंदा बनाए रखना यह एक चुनौती आपके सामने है और हम सबके सामने, समाज के सामने, कि वो जिंदा बनी रहे और उससे हम संदेश लेते रहे। ये हम लोगों के सामने समाधान की भूमिका हो सकती है। नालंदा भी जलाया गया इस देश के अंदर, महीनों जला वो पुस्तकालय। एक संस्कृति आई थी, वो उसने हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की थी। उस सब वैचारिक आधार को, वैचारिक मजबूती प्रदान करता था पूरे विश्व को, उसे नष्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन यूनान रोम मिस्रा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात क्या है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो पत्रकार जिसकी मशाल जलाए बैठे हैं आज भी हिंदुस्तान के अंदर, वो कुछ बात ये है। मित्रों, ये आज मोदी जी भी जिसके वाहक बने हुए हैं, हमारे अतीत के जिस ज्ञान को विलुप्त कर दिया गया था या उसको ऊंचा समझा गया था, छोटा समझा गया था। सभी मित्रों जल्दी में है जा रहे हैं, लखनऊ से आज इसी कार्यक्रम के लिए आए थे। हमारे बीच भाई राजेश जी भी हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। राजेश गोयल जी हमारे बीच आए, हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आते हुए मैं सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मैं